दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के मामले में अभी तक यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना ही जाने जाते थे, लेकिन अब इस लिस्ट में इंडिया ने भी जगह बना ली है। इंडिया ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बना लिया है और इस एयरक्राफ्ट को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंप दिया है। करीबन 13 सालों के लंबे इंतजार के बाद 20,000 करोड़ की लागत से बना भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। आईएनएस विक्रांत पर 30 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसमें MiG-29 के फाइटर जेट भी शामिल हैं और Kamov-31 चॉपर, MS-60 और मल्टीपल हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी मौजूद होंगे। आईएनएस विक्रांत में 14 फ्लोर हैं और 2300 कंपार्टमेंट भी हैं। इस एयरक्राफ्ट पर 1709 सैनिक भी तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत पर टेक ऑफ के लिए जब लैंडिंग के लिए अरेस्टेड वायर का भी यूज किया जाएगा। इस समय चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहा है। ऐसे में आईएनएस विक्रांत की कमीशन होने पर इंडियन नेवी की समुद्र में ताकत बढ़ जाएगी।